हम इस वीडियो में भीम बांध का दृश्य दिखा रहे हैं जो खूंखार जंगली जानवर भालू और भेड़ियों से भरा हुआ है और साथ ही गर्म पानी का सोर्स है पहाड़ के जड़ के पास से निकलता है। और कहा गया है यहाँ पे अज्ञातवास में पांडव भी रुके थे और पानी अधिक होने के कारण यहाँ पे भीम ने अपना भुजा से यहाँ पे बांध बनाया था तो उसी के नाम पे इस क्षेत्र का रखा गया था नाम भीम बांध। और आगे का वीडियो देखिए मेरा। हाय गाइस, आज हम जा रहे हैं भीम बांध घूमने के लिए और ये देखिए हमारी मम्मी जो हमें छोड़ने के लिए आई है बाहर में और जा रहे हैं हम लोग। गाड़ी तैयार है हम लोग का, टोटो भीम बांध जहाँ पे गर्म पानी का सोर्स है। तो हम लोग घर से अभी निकल चुके हैं अब और सारे दोस्त लोग साथ में सारा सामान के साथ जंगल के लिए। और गंगटा मोड़ अभी हम लोग पहुंच गए हैं, यही अंतिम जगह है, अंतिम बाजार है और यहाँ से ही जंगल का शुरुआत होता है। तो रुके थे चिकन लेने के लिए तो हम लोग चिकन लेने लगे और जा कर के कुछ नाश्ता का सामान भी लेने लगे और फिर वहाँ से निकल के आगे जंगल की ओर बढ़े। तो रास्ते में सावा लाख बाबा मिला, उसका कुछ चढ़ावा चढ़ा करके फिर वहाँ से आगे बढ़े। तो वहाँ पुलिस टोल टैक्स मांगा तो टोल टैक्स देने के बाद आगे बढ़े और जगह जगह पे लिखा हुआ है कि जंगली जीव से सावधान और वाहन को थोड़ा धीरे चलाएं, जगह जगह पे लिखा हुआ है। और बंदर और भेड़िया रास्ता में आवाज़ कर रहे हैं अलग अलग प्रकार से। और अभी हम लोग देखिए भीम बांध पहुँचने वाले हैं। हाँ तो देखिए अभी हम भीम बांध पहुँच गए हैं हम और हमारे दोस्त लोग। ये देखिए सारा सामान उमान बर्तन के साथ पूरा, आज यहीं पे पिकनिक चलेगा। चिकन चिकन चावल अच्छा से। तो जंगल में कुंड के पास पहुंचने के बाद सारा सामान उमान रखने के बाद तो सब लोग अब तैयारी करने लगे और चूल्हा का भी निर्माण कर लिए और यहाँ लकड़ी भी थोड़ा सा चुन लिए हैं और थोड़ा नाश्ता मिला रहे हैं। अभी नाश्ता मिलाने के बाद फिर खाना थोड़ा नाश्ता करके अपना पिकनिक बना नहाने के लिए कुंड। पूरा गर्म गर्म पानी है, एकदम पूरा हॉट है, पूरा पैर जल रहा है एकदम से। देखिए पूरा एकदम पैर नहीं रख पा रहा जब पानी में, पूरा पूरा गर्म पानी है। ये पहाड़ के अंदर से पानी उधर से निकल रहा है, ये देखिए पहाड़ के जड़ के अंदर से पूरा गर्म गर्म पानी निकल रहा है। तो देखिए अंततः हम वह कुंड पहुंच गए हैं जहां पे भीम बांध का गर्म पानी का सोर्स है, जहाँ से गर्म पानी पहाड़ के जड़ से निकलता है और पूरा गर्म रहता है यहाँ का पानी। ये देखिए यहाँ के पहाड़ के जड़ से पानी निकल रहा है थोड़ा थोड़ा, ये देख सकते हैं यहाँ पानी के पहाड़ के जड़ से निकल रहा है। ऊपर में पहाड़ है और यह पानी निकल रहा है, पूरा गर्म पानी है, पूरा भाप निकल रहा है, देख सकते हैं आप। इसी तरह का पूरा अलग अलग सोर्स है जो पहाड़ के अंदर से पानी निकल रहा है, वो देखिए पूरा गर्म पानी है, बुलबुला टाइप से एकदम निकल रहा है पानी। ये वाला बड़ा मुंह है, इसे देखिए, इसमें अंडा है ना, अपने आप बॉइल हो जा रहा है, इतना गर्म है। ये देख सकते हैं पूरा गर्म पानी है, हाथ देने से भी जल जा रहा है थोड़ा सा। हाँ तो आज भीम बांध का यह मेरा अंतिम चरण है जो हम लोग आज घूम चुके हैं। ये कुंड तक पहुँच चुके हैं जहाँ पे कहा जाता था जब भीम अज्ञातवास में थे तो यहाँ पे एक रात्रि वो बिताए थे, जिसमें कुछ ज़्यादा ही पानी था तो वो अपने भुजा से यहाँ पे बांध बनाए थे। तो उसी के नाम पे इस क्षेत्र का नाम रखा गया था भीम बांध, जो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के खड़गपुर क्षेत्र में पड़ते हैं और ये जंगल के बीचों बीच करीब जंगल से 10-20 किलोमीटर अंदर यानी कि शहर से यह कुंड बसा हुआ है। बहुत अदृश्य और लुभावना है, यहाँ पर पर्यटक का लगातार आना जाना बना हुआ रहता है। या ठंडी के समय में दिसंबर से लेकर फरवरी तक के माह में यहाँ पे अलग अलग प्रकार के बहुत सारे आदमी आते हैं जो पिकनिक के रूप में मनाते हैं। ये देखिए मेरे पीछे पहाड़ देख रहे हैं, ये वाला, इसी पहाड़ से गर्म पानी का स्रोत निकलता है जो यहाँ से शायद बताया गया है कुछ साइंटिस्ट के द्वारा, तो क्या यहाँ से लावा पास हुआ है, मैग्मा का स्रोत, जिसके कारण से यहाँ से गर्म का पानी निकलता है और फुल ऑफ सल्फर भरा हुआ है पानी में, देख सकते हैं इसी तरह स्रोत से बन करके यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पे कुछ दिन पहले नीतीश कुमार भी आए हुए थे, जो भीम बांध का उद्घाटन करके गए हैं और ताकि पर्यटक के लिए इन्वेस्ट करें। यहाँ पे कुछ अलग अलग प्रकार के कुंड उंड बनाया गया है, स्विमिंग पूल सब बनाया गया है, पूरा गर्म पानी का सोर्स है फुल ऑफ, और यहाँ पे बहुत सारे पर्यटक आया करते हैं। ये देखिए जंगल के बीचों बीच चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़, उसके बीचों बीच में यह कुंड बसा हुआ है।
और हम भी आज आए थे यहाँ पे घूमने के मकसद से ही, पिकनिक मनाए। बहुत ही आनंद और आनंदित महसूस हुआ। मैं और हमारे दोस्त लोग कुछ घूम रहे थे यहाँ पे। यहाँ पर से आप पहाड़ से चढ़ के जंगल से आगे बढ़ते हुए हम लोग आगे जा रहे हैं। हम और हमारे दोस्त लोग वहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं। देखिए आज का दिन बहुत मज़ा आया हम लोग को यहाँ पे पिकनिक मनाते हुए। बहुत आनंद और बहुत अच्छा महसूस हुआ। यहाँ पे जंगल के चारों ओर बीचों भालू और बहुत सारे बंदर को देखने को मौका मिला और भेड़ भी साथ में था। यहाँ देखिए पुलिस का चौकी है, यहाँ से पुलिस गार्डिंग करता है। ये देखिए, तो ये देखिए हम लोग का आज घर वापसी हो गया है। हम और हमारी टीम सब अब घर जा रहे हैं। ये देखिए विमान से आ गए हम लोग वापसी। ये है राहुल कुमार, ये है राहुल कुमार जो मेरा दोस्त है, सेफ है ये सूरत में, बड़ा सा कंपनी है इसके पास, बिरयानी बनाता है।